हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज मैं आपको स्कूल ड्रेस का स्कर्ट बनाने के लिए बता रही हूँ। एक बीस कपड़ा है, 8 साल बच्चे का स्कर्ट बनाना है, जिसकी लंबाई 15 इंच होगी। लंबाई 15 इंच, कमर 22 इंच, घेर उसके 40 इंच में लेगी। और कपड़े को 2 तह में लगा दी हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं 4 इंच कपड़े के कमर पट्टी के लिए मैं निकाल रही हूँ। ये मैं कमर पट्टी के लिए निकाल रही हूँ। उसके बाद ये घेर में कटिंग करके निकाल ली हूँ। जो जितनी कपड़ा बच गई है उसको सारा को मैं घेर लगा दूँगी। उसके बाद मैं अलग से उजला कपड़ा का ही पॉकेट बना लूँगी। घेर मेरी 40 से और कपड़ा इसमें तह लगी हुई है, 40 से 50 तक की घेर आ जाएगी। 45 से 50 तक की घेर मेरी आ जाएगी। इसमें 3 तह में कपड़ा है, सारे मैं जोड़ दूंगी। उसके बाद प्लेट बैठा के मैं उसके 50 इंच बना लूंगी। फिर मैं पॉकेट इसमें लगाऊंगी, फिर कमर पट्टी को बैठाऊंगी। अभी मैं इतना सा कटिंग करके सिलाई करने जा रही हूँ। इसमें मैंने पॉकेट लगाया। हेलो फ्रेंड, इसमें मैं पॉकेट बनाई। पॉकेट हर हमेशा ध्यान रखिएगा कि दाहिना साइड से आए। ये पॉकेट मैं इसको इसमें स्कर्ट में पॉकेट लगाई। पॉकेट के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहले तो ये वाइट है, वाइट कपड़े का ही पॉकेट लगाएं। उसके बाद ये दाहिना साइड से हाथ घुसे और कमर के बीचों बीच, कमर के बीचों बीच ये पॉकेट आना चाहिए। कमर में पॉकेट लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे पट्टी लगाई, जो यहाँ पे जो पेल्ट के मुंह पे। पहले मैंने पॉकेट लगाया, सबसे पहले मैंने पॉकेट लगाया। पॉकेट दहिना साइड होना चाहिए, ये हाथ दहिना वाला हाथ घुसना चाहिए और कमर के बीचों बीच होना चाहिए। उसके बाद मैं ये पट्टी डाली हूँ। ये पट्टी बटन पट्टी है। यहाँ पे कमर पे बच्चे को हुक या चैन या कुछ भी लगा सकते हैं या बंद कर सकते हैं। और यहीं से ये दोनों तरफ से जुड़ के पट्टी ऊपर आ जाती है। पट्टी लगने के बाद ऊपर आ जाती है, कमर फिक्स हो जाती है। अब मैं इसका प्लेट डाल रही हूँ, जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। प्लेट मेरी 2-2 इंच पे है। 2-2 इंच की सारी प्लेट है, देखिए 2-2 इंच की सारी प्लेट है मेरी। 6 इंच है, ये 2-2 इंच की सब प्लेट बन गई है, बन रही है। प्लेट पूरा हो जाने के बाद कमर पट्टी मैं जोड़ूंगी। तब तक अभी मैं प्लेट लगाती हूँ। पहले